please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है होली की तमाम शुभकामनाओं के बीच में। आज बेहद अफसोस के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ी कि दिल्ली में जिस तरह की होली खेली गई या जिस तरह की होली अभद्रता भरी हुई उससे ज्यादा गलीज और उससे ज्यादा गिरा हुआ काम कुछ नहीं हो सकता। एक बार फिर मुद्दे को रखते हुए आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे जो दो लड़कियाँ मौजूद हैं ज्योति और आरती, उसमें से आरती आपको खड़ा करना चाहता हूँ, ज्योति आपको खड़ा करना चाहता हूँ, दोनों लोगों को खड़ा। जी जी, जिस तरह की होली खेली गई वो किस तरह की होली थी जरा एक बार उसको सुन लीजिए और उसके बाद अगर आप अपने को कह सकें जी हाँ हुजूर हम इंसान हैं तो फिर भी बात बदल सकती है। जी देखिए, होली के नाम पे जो संस्कृति लगातार बढ़ रही है कि आप किसी भी अनजान लड़की को कभी भी बैलून मार सकते हैं, चाहे वो कॉलेज जा रही है चाहे वो जॉब पे जा रही है, तो होली में आप होली के टाइम में आप लड़के जो है सड़कों पे बैलून भर के खड़े रहते हैं कि अब कोई DTC बस गुजरेगी और उसमें हम किसी ना किसी लड़की को बैलून मारेंगे। और वो बैलून में सिर्फ पानी नहीं होता है, उसमें गंदा पानी होता है, उसमें कीचड़ होता है, उसमें सीमेंट भरा होता है। और ये घटना सीमेंट का मतलब समझे आई शर्म नहीं आई होगी, मुझे मालूम नहीं आई होगी। वो सीमन जिसकी एक बूंद से, एक कण से, एक माइक्रो कण से हम और तुम बने हैं, खड़े हुए हैं, वो होता है सीमन। मालूम आया, समझ में आई, शर्म आई, कुछ नहीं आई होगी मुझे मालूम है। पाजी आज तुम कैमरा हिलाना मत, बहुत 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 संजीदा मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम आज। जी जी जी, दिस होली हैज़ बिकम अनहोली फेस्टिवल। जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सीमेंट को फेंक रहे हैं, उनको आगाह करना चाहूँगी, जब आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत होगी इसकी आपके पास नहीं होगा। यू विल बी सफरिंग फ्रॉम सेक्सुअल डिजीजेज, क्योंकि ये सीमेंट इतनी जल्दी आपके शरीर में नहीं बनती। जी 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 प्रतीक जी, आई एम अ डॉक्टर, मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हूँ और मैं बताना चाहूँगी, मैं जयंती जी की बात को आगे लेके जाना चाहूँगी, खासतौर पे उन लड़कों से जो ये गंदी हरकत कर रहे हैं, कि वास्तव में जब आपको इसकी एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको अपनी फैमिली खड़ी करनी होगी तब वहाँ पे आपको बेहद कमी आ जाएगी। तो इसलिए आप भगवान से डरे, लड़कियों का सम्मान करें। इंसान होने की पहली शर्त ही जब भूल गए तो खड़े कहाँ होंगे और किस जगह खड़े होंगे। जब इंसान होने की पहली शर्त भूल गए कि हम मौजूद कहाँ हैं, किस पायदान में खड़े हैं, तो हम क्या उनसे उम्मीद रखें। जी तो मैं यही कहूँगी कि इसमें जो हमें मतलब देखने को मिल रहा है कि इतना मतलब महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं है, तो हम सारी महिलाओं को इसका इंतजार ना करके पहले ही इस संगठन से जुड़ना चाहिए और इसकी आवाज़ उठाना चाहिए कि कल को हमारे साथ ये घटना ना घटे और इसके विरोध हमें लड़ना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए। दिल्ली के जो प्रतिष्ठित कॉलेज हैं उनके बाहर ये घटना होती है। जी ये बड़ी लेडीज और लड़कियां आवाज उठा सकती हैं, वो 2 महीने की 2 दिन की लड़की कहां आवाज उठाए जो हॉस्पिटल के वार्ड में ही जिसका रेप कर दिया जाता है, वो तो स्कर्ट पहन के नहीं घूमती कि लड़कियां स्कर्ट पहन के घूमती हैं इसलिए रेप होते हैं, उन छोटी बच्चियों की सुरक्षा का कौन जिम्मेवार है? गिरी भी मानसिकता। हां हां बेटा, उसमें ये कहा जाएगा कि सिस्टम हमारा जिस तरीके से बना हुआ है, अगर न्याय एक तरीके से मिला जाए, पता लग जाए कि इस तरीके इसकी हरकत करने के बाद ये कानून है या वो कागज पे नहीं लिखा है, वो जमीन स्तर पे भी है, होना जरूरी है, क्योंकि कागज में लिखा हुआ कभी नहीं पूरा होता है, जमीन स्तर पे होना चाहिए ताकि हर कोई यहाँ पे खड़ा हुआ हर आदमी डरे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि तुम्हें अपने होने, अपने वजूद पर एक बार शक हो जाएगा। जी ऋषभ जी, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ और ये सवाल ये था कि किसी ने आवाज दी, कैमरे की बात हुई थी, किसी ने आवाज आई, कान में पड़ी थी मेरे। ऋषभ जी देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि बुरा ना मानें, क्योंकि दिल्ली जो हमारा राज्य है इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो केजरीवाल जी हैं और सिर्फ राजनीति की जा रही है, राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं किया जा रहा। जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं अभी, आप ये देखिए कि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है वो होली नहीं मनाएंगे क्योंकि वो ट्रेडर्स और जो सीलिंग चल रही है उसके अगेंस्ट हैं। लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा कि वो होली नहीं मनाएंगे? ठीक है, वहाँ भी एक उन्होंने दोबारा से राजनीति करी, उसके साथ साथ उन्हें देखना चाहिए था कि होली में कितने ज़्यादा डिटेरेंट स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए, कितने प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो पब्लिक पुलिस मीटिंग हो चाहे वैसे भी अवेयरनेस। अरविंद केजरीवाल जी आपको लगता है कि जिम्मेदार हैं? अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार है और दिल्ली की नहीं,
कि सिस्टम जिम्मेदार है। मैं पुलिस की बात, उनकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। कहाँ है वो 1.5 लाख कैमरे जिनकी बात की गई थी, और कहाँ है वो डार्क स्पॉट्स पे लाइटिंग जो होनी थी। पिछले आप ये देखिए निर्भया केस को इस दिसंबर में पूरे 5 साल हो गए और अभी तक डार्क स्पॉट्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किए गए। मैं आया भैया, सरकारें बदलती रहेंगी और आम आदमी निराश होता रहेगा, उनसे एक्सपेक्ट करना बंद करना चाहिए। सब पेरेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि गुब्बारा बहुत डेंजरस है, ये फेस का डेंजरस एरिया है सबसे ज़्यादा। यहाँ ज़रा सा भी हिट करने से फ्रैक्चर्स होते हैं, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, इन एरियाज पे मारने से फ्रैक्चर्स होते हैं, प्लेटिंग्स होती हैं, बंदा पूरी ज़िंदगी के लिए डिबिलिटेट होता है, और ब्रेन में क्लॉटिंग के भी केसेस हमारे सामने आते हैं। प्लीज़ आप आपस में सेफ होली खेलिए, गुब्बारों से दूर रहिए, अनजान लोगों पर गुब्बारे मत फेंकिए। रिक्शे वाले, कोरियर वाले, गरीब लड़कों के मोबाइल टूट रहे हैं। कल मेरे सामने भैया एक रिक्शे वाले पे इतनी ज़ोर से गुब्बारा पड़ा, ही वॉज एन ओल्ड पर्सन, बुजुर्ग था वो, उसका पूरा रिक्शा डोल गया, वो सामने जाके बाइक से लगा और दोनों वहाँ रोड पर गिर गए। पेरेंट्स की भी, लेकिन उसके बाद कहा जाता है बुरा न मानो होली है। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं, आपसे नहीं पूछूंगा, किससे पूछूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स मैं जी, दिल्ली पुलिस से मेरी गुजारिश है, प्लीज बैन द सेलिंग ऑफ द बलून्स, एटलीस्ट दैट यू कैन डू। रिश्वत देना बंद करिए, दिल्ली पुलिस को बात बात पे रिश्वत देके हर काम करवा के लोग खुद ही क्राइम को आगे बढ़ा रहे हैं, हर गलत काम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल मैं ऋषभ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपका सवाल है जो कि ईश्वर जी ने पूछा था जी। देखिए मेरा इसमें कहना है कि बेहद अफसोसनाक ये घटना हुई है जो कल हुई है, और मैं जयंती मैडम, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जयंती मैडम और उन दोनों बहनों को जो आई हैं उनको सलूट करता हूँ। ये हमारी नैतिक पतन है हमारे समाज में, जो इस तरह की घृणित, और इसको हम प्लीज आज कम से कम राजनीति ना करें इसमें कि कौन सी सरकार, कौन सा नेता, ये नहीं होना चाहिए। मैडम ने कौन सा चीफ मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर, देखिए मैडम ने कहा है अवेयरनेस फैलाएं, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि जो बलून है उस कितना घातक है हमारे लिए, तो इन सारी चीजों से हमें सवाल, बचना सवाल ये है कि जिनके जिम्मेदारी सौंपी गई थी अगर वो नहीं करेंगे तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा। कानून जो है वो पब्लिक नहीं लेके आएगी, जनता नहीं लेके आएगी, कानून वो लेके आएंगे जिस जनता ने उन्हें रहनुमाई के लिए चुना था। ऑफकोर्स बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन जिन लड़कों ने बलून भेजा है वो उनकी जो पूरी संस्कृति है वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा बुरा असर कर रही है कि वो हरकत कर रहे हैं। अगर हम उन्हें सही कर दें, उनके दिमाग में जो फुतूर है उनको सही कर दें, तो हो सकता है कि समाज में मैं आया रुके जी। प्रतीक जी बहुत सीरियस बात है, बात यह कि ये महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, रेप की घटना, ये रुक क्यों नहीं रही है। आप यूपी चले जाओ, रेप में टॉप पे आ गया, टॉप 5 में हमारा उत्तर प्रदेश। हर एक घंटे पे हमारी बेटियों का रेप होता है, उनको जला दिया जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सांसद बनने में, एमएलए बनने में, एकेडमिक्स में, टीचिंग में, मीडिया में, हमारी महिलाओं का जो 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो है ही नहीं। और दिल्ली पुलिस के जो मर्द पुलिस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस की मर्दवादी सोच वाली पुलिस, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान के मुहाफिज बनो, मर्द ना बनो। जी मैं ऋचा से बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, इसे राजनीति में नहीं ले जाऊंगी आज के दिन में, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। एक एंटी स्टॉकिंग बिल है, एंटी स्टॉकिंग बिल में अगर कोई लड़का किसी लड़की को पीछा करता है तो उसको बेल मिल जाती है, वो छूट जाता है। और ज़्यादातर केसेस हमने देखा है पिछले 3 सालों में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली में। ज़्यादातर केसेस चाहे तेजाब फेंकने के हों, गला रेत के मार डालने के हों, चाकू घुसेर देने के हों, मर्डर के हों, रेप के हों, ज़्यादातर केसेस वो लोग करते हैं जो पहले स्टॉकर्स रह चुके हैं। तो इस कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, और मैं गुजारिश करूंगी सभी सरकारों से कि इस कानून पे बदलाव लाएं, क्योंकि सिर्फ बोलने से कानून जब तक मजबूत नहीं देंगे, छोटे छोटे गैप्स हैं, कानूनों को मजबूत करना होगा। और दिल्ली पुलिस को मैं उनको हर चीज़ में जिम्मेदारी नहीं देना चाहती, मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, बीट कॉन्स्टेबल्स कम हैं, महिला पुलिसकर्मी कम हैं, अलग से बजट एलोकेट किया जाए, पुलिस रिफॉर्म्स किए जाए। जब तक हम उनको लोग नहीं ज़्यादा देंगे, और लड़कों को थोड़ा डर होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि मोदी राज में सब बेरोजगार हो गए हैं, मोदी राज में सब लोग नहीं, 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 मुझे मालूम है।
ऋचा जी बरैये के छत्ते में हाथ आपने दिया, मुझे मेरा मालूम है, बिल्कुल इग्नोर जो कहा, बहुत उतावले हैं जी, इधर आइए इधर आइए इधर आइए उधर 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 से आइए उधर से आजा आजा आप आ गए आइए आइए जी 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 आ रहा हूँ जी जी सर प्रणाम, आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। जो आपका अंदाज है ना जी सर, मैं अक्सर आपको एक मिनट मुद्दे पे आऊंगा, आप मेरे पास से जाना नहीं, मैं आपको बहुत दिन से ढूंढ रहा था, आज आप मेरे को मिल गए हो, मेरा नसीब है मेरे भाई हो आप। यार जो आपका अंदाज है ना, ये अंदाज आपका, ये समझ लो आपके तो ये टीवी वालों को अवार्ड देना चाहिए, आप सीनियर हैं, ये आपकी ताकत से चल रहा है चैनल, आपको पता है लोग बोलते नहीं है, आप चिल्लाते हो, इतनी ताकत कहां से आई आप में, क्या खाते हो आप? अरे मैं कहता हूँ आपके हौसले को सलाम। आपने मेरी तारीफ करी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं खाता वही हूँ जो आप खाने के बाद भी आपकी सफेदी बरकरार रहती है, मैं वो नहीं खाता। हिम्मत आपकी, हिम्मत है वो। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, देखिए मेरी बात सुनो, ये जो आप सवाल करते हैं पब्लिक जवाब देती है, जवाब बहुत होते हैं सवाल बहुत होते हैं, बात यह है अगर कोई बच्चा गलत हरकत कर रहा है तो इसमें देखो माँ बाप की भी गलती है, माहौल की भी गलती है, उस चीजों को माँ बाप को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, है? और गली से हमारा बच्चा निकल रहा है, गली वालों को देखना चाहिए, बाहर जाके क्या हरकत कर रहा है उसको संभालना सुधारना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जवाब बताएं सर। 50 के 55 के आप आसपास? नहीं हाँ 40-42 के आसपास। एक बात बताइए, जयंती जी बैठी है, क्या हमारे पुरखों से या हमारे वालिद से कहीं कोई गलती हुई है? ये जो पीढ़ी से शामदार कौन है, कौन है जिम्मेदार? मैं बताऊं अगर गुब्बारे में हम वो वीर जो उसने कहा मैम के अमित साहब की बहुत सीमेंट भर के मारते साहब की बहुत सीमेंट भर के मारते हैं, इससे गलीज, इससे गंदा और इससे गिरा हुआ काम हो ही नहीं सकता। और मैं आ रहा हूँ और इस लड़की से पूछिए, इस लड़की से पूछिए क्या गुजरती होगी, बताओ बेटा। मैं आ रहा हूँ मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, इससे भद्दा काम और हो क्या सकता है? मतलब इन हम लोग महिलाएं, हम अपनी सुरक्षा के लिए हम क्या करें क्या ना करें और क्या हो सकता है? मैं ये कहूंगी कि अगर किसी का शर्म नहीं आती, अगर किसी का रेप भी होता है, जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद एक मैं भगा दूंगा तुमको, अगर तुम्हारे दांत अब किसे देखे मैंने, सॉरी बोलो, तुम्हारे दांत अब किस दिख गए तो मैं भगा दूंगा, फट से बता रहा हूँ, मैं शो करूं चाहे ना करूं। जी जी, जो निर्भया कांड हुआ था लगभग 5 साल पहले, उसके बाद जो निर्भया फंड आया था उसके बाद ये कहा गया था जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, कि अगर एक महिला का रेप होता है, वो चाहे 2 साल की हो या 4 महीने की हो या कितनी भी बड़ी उम्र की हो, 30 हो या 35 हो या बूढ़ी बुजुर्ग औरत क्यों ना हो, उसका रेप होता है तो उसके बाद हमें न्याय नहीं मिलता है। मेन मकसद ये है कि हम वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर देखने जाते हैं तो उसका ताला लगा बंदर मिलता है हमें, कि मतलब उसके बाद एक को अत्याचार पहले हुआ या उसके बाद भी उसके साथ अत्याचार हो रहा है। शालीमार बाग में 2.5 साल बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका पापा बाइक पे ले जाकर अपने दोस्त से बाइक मांगी है, उसको बीच में रख के पूरा ब्लडिंग हो रहा है, उसको लेके जा रहा है। हमारा कानून क्या उस लड़की को मेडिकल सुविधा नहीं दे सकती है? हमारा कानून क्या उसको एम्बुलेंस नहीं दे सकता है? क्या उसको एक छत पे उसका सारा चिकित्सा नहीं दे सकता? क्या उसको न्याय नहीं दे सकता है? उसके बाद भी उसका बलात्कार होता है, मानसिक रूप से बलात्कार, उसके बाद अगर महिला है मरने तक सोच लेती है क्योंकि उसको न्याय नहीं मिलता है। एक मिनट रुकिएगा हुजूर आलिम, रुकिएगा, मैंने उत्सव से शुरू किया था होली की मुबारकबाद से, लेकिन 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 मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं आपके भी हौसले से लोग फंस रहे हैं रेप के, तो फंस नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, मुंह बंद कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, कोई आवाज उठाता है तो उसका भी साथ नहीं देते, अगर एक लड़की दब रही है तो उसको दबने देते, यही तो समाज है। और क्या होगा, चुप रहोगे क्या? आखिर कब तक चुप रहोगे? आपके घर में दस्तक होगी, आपकी बेटी के साथ रेप होगा, जब तक चुप रहोगे? हमारे साथ भी बसों में छेड़छाड़ होती है, कोई ऐसा छूता है, कब तक चुप रहेंगे? मैं सरकार से कहती हूँ कि वुमेन स्पेशल बस क्यों नहीं है? हम घर से कॉलेज जाते हैं, हमेशा इंतजार करते हैं कि खाली बस क्यों नहीं आती है, और उसमें हम मजबूरन चढ़ते हैं, और इसमें पता होता है छेड़छाड़ हो रही है, अगर आवाज उठाए
तो हमारी बूढ़ी औरतें कह देती है कि आप चुप हो जाइए, लड़के तो ऐसे होते ही है। आखिर क्यों होते हैं? बाहर की औरत की इज्जत, मतलब हमारे घर की, और बाहर की औरत कोई औरत नहीं है, वो तो एक किसी चिकन की दुकान पे खड़ा हुआ एक मांस है, और तुम एक कुत्तों की तरह खड़े होके उस पे हवसबाजी नजरों से देखते रहते हो, उसको खाने के लिए तत्पर भौंकते रहते हो। अपने घर की औरत औरत दिखती है और बाहर की औरत कोई औरत नहीं दिखती है क्या? मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि आपके घर में कोई बहन होगी उसकी भी सुरक्षा की बात है, हमेशा महिलाओं को क्यों दबाया जाता है? हमारे कानून कहता है कि आपको कैसे छुआ कैसे पकड़ा, आप बता दो कहाँ है वो, हम पकड़ के ले आएंगे। मैं कानून से सवाल करती हूँ कि अगर हम ही पकड़ लाए तो आप अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, क्यों आप आगे आते हो? हमारे साथ भी छेड़छाड़ होती है। आ जा बेटा, आ जा, बैठो बेटा, लो बैठ जा बेटा, पूछ दो आंसू, पूछो। प्रतीक जी ये रोजाना का इसका अति हो जाएगा, जो अति हुआ है हो जाएगा। सरकार 5 अति कर ले, जनसंख्या पर रोक, और जो है जो गलती करता है उसको दंड एकदम तालिबान नीतीश होना चाहिए। तो यहाँ तो होगा कि 5 साल में सजा होगा। ये भी बोल रही थी, हमेशा ऐसे ही होता है डिबेट, जैसे टीवी पे सभी देखते हैं, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसे ही डिबेट होता है, बोला जाता है कि आइए ये देखिए ऐसा हो रहा है, ये बच्ची फपक के रो रही है, और समय के अभाव के कारण ये बात खत्म हो जाती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई उस पे नहीं होती है। मैं बताऊं क्यों? हाँ बताइए, मैं जवाब देता हूँ तुमसे। हाँ दीजिए सर। हमारी तुम्हारी सबकी खाल जो है ना मोटी हो चुकी है, मोटी, उसके अंदर चर्बी बढ़ गई है, चर्बी। मैं भी कहना चाहता हूं, इसलिए जब मैंने सवाल पूछा था यहाँ पे, मैं जब मैंने आ रहा हूँ नौजवान तुम्हारे, तुमको तो सैल्यूट करता हूँ मैं, तुमको तो गर्दन का नीचे वाला भाग स्वच्छ है, लेकिन हमारे सबका मस्तिष्क स्वच्छ नहीं है, गंदा हो चुका है आज। हाँ गंदा हो चुका है, गलीज शब्द है, गलीज है। मस्तिष्क को स्वच्छ करना चाहिए, और एक होकर ऐसी लड़की के प्रति जागरूक होकर सभी को आगे बढ़ना चाहिए। ये हालत है, ये कुछ नहीं होगा सर, ये पॉलिटिक्स से सबसे कचरा आज हमारे देश को कोई कर रहा, ये पॉलिटिक्स कर रही है, ये गंदी पॉलिटिक्स, यही गंदी पॉलिटिक्स कर रही है। ये बच्ची ऐसे ही फकर फपक फपक के रोएगी, कल भी रोएगी, परसों भी रोएगी, ये पॉलिटिक्स। ये हम लोग, एक मिनट एक मिनट जनाब, जी जी जी, नहीं रोएगी ये देश, आप ही लोग थे जब मैं भी गई थी रामलीला मैदान पे, आप लोगों ने सरकारें पलट दी थी, अन्ना हजारा के साथ खड़े हो गए, यही हमारे लड़के थे, ये कोई विलन नहीं है। और आज भी तुम लोग चाहोगे तो तुम सब बदल सकते हो, मुझे फिर भी वुमेन होके लड़कों पे इतना विश्वास है। बिल्कुल सही, 100% आई एग्री गगन। एक चीज हम चाहते हैं, हम चाहते हैं इस तरह की हैवानियत का अंत, सिर्फ और सिर्फ डिटरेंट पनिशमेंट से होगा। कई स्टेट्स आगे आई हैं, मध्य प्रदेश, तुम उसको देख नहीं सकते हो, जी 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 इधर आइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पे रेप के खिलाफ फांसी की ऑर्डर मुकम्मल है। तो मैं चाहती हूँ अगर इस तरह का रेप, इस तरह की हैवानियत प्रूव हो जाती है, तो हेवन सेक भगवान के लिए वहाँ पे अंत करने के लिए सख्त से सख्त सजा का ऐलान करें, और दर्शाएं कि वो सजा दे रहे हैं आप, फांसी की सजा होनी चाहिए। इशत। अभी मेरी को पैनलिस्ट ने भी कहा, ये बात हकीकत है कि सरकारें बदली जाती हैं, लेकिन सरकार के बदलने से जो है वो नतीजा नहीं आया है, हमें कानून लाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी छोटा सा, पॉलिटिक्स को छोड़ के बात करेंगे, पॉलिटिक्स छोड़ के बात करेंगे। साउथ कोरिया में आप ये देखिए कि अगर एक लड़की, एक महिला के अगर मर्जी के बिना आप उसका फोटो खींच लेते हैं तो 5 साल की सजा है, क्या ऐसा कानून? यहाँ गुब्बारा भर के मारते हैं सिमर, क्या है ये स्थिति? सेक्सुअल असॉल्ट है, जीरो कंसेंट पे आप इतना टॉलरेंट हो रहे हैं कि जीरो कंसेंट पे आप किसी महिला के साथ ये बदतमीजी कर रहे हो, और इतना शर्मनाक हादसा है ये कि कोई बोलने के लिए तैयार। इंसानों को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख देने का भी कोई अख्तियार नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। एक दिन चमकूंगा
स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बचाया आज सुर दिए। हालांकि माहौल जिस जगह पे मैंने छोड़ा था, बातचीत के सिलसिले को जिस पे छोड़ा था, नौजवान यहाँ पे शायद अब नहीं मौजूद है जिसने उस बात को कही थी कि आप बार बार उस बात को दोहराते जाएंगे, आप अपनी बात कहते जाएंगे लेकिन नतीजा नहीं निकलेगा। मैं जानता हूँ जब खाल बहुत मोटी होती है तो नतीजा बहुत देर से निकलता है। ठीक है, नौजवान कुछ कहना चाहते हैं? मैं आप नौजवान को मौका दूंगा। जी जी सर, इस तरह की जो घटना देखते हैं तो इंसानियत होने पर सवाल खड़ा हो जाता है कि इतना बेहुदापन हरकत कि किसी के बदन पे सीमेंट फेंक रहे हैं। सर, हर किसी के घर में बहन बेटियां, कि कोई अपना कर सकता है इस तरह का काम? लेकिन सर, 2012 में निर्भया कांड होता है लेकिन एक बहुत जोरदार तरीके से पूरे देश में प्रोटेस्ट चलता है लेकिन आज तक उसको फांसी की सजा नहीं हुई। इतना बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं होती है? क्या इतना कमजोर है हमारा देश? हमारा कानून इतना कमजोर है कि एक बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं देते? इतना कमजोर हो चुके हैं। आरामिक मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूँ, शर्म आती है ना साहब? भाई साहब, बात यह है कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है भाई साहब। जी अमित जी, देखिए ये फांसी उसी की बात करना सब ठीक ठाक है, हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुजारी जी हर 2 घंटे पे एक इनकाउंटर करवाते हैं। दलील क्या है? कि हम क्राइम रोकेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर 1 घंटे पे रेप होता है। उनके 1000 इनकाउंटर वो करवा चुके हैं, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और माइनॉरिटी के, कोई क्राइम हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं रुका। दूसरी बात देखिए, जिस पूरी बात सुनूंगा मैं। जब क्राइम का राजनीतिकरण होता है तो इन जैसे लोग खड़े होते हैं। दीपिका जी, होल्ड ऑन, आपको शायद एतराज नहीं होगा लेकिन मुझे एतराज है। इन्होंने जो नाम लिया उस पर मुझे एतराज है, आपको ना हुआ हो एतराज? मैं उस पे आ रही थी प्रतीक जी, मैं केवल और केवल ये बात कह रही हूँ कि आज यूपी में ये हाल है कि अपराधी स्वयं आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जेल में रखो, हमारी बेल कैंसिल करो, हम बाहर नहीं रहना चाहते। आज योगी जी ने हमारी बेटी को जला दिया उन्नाव में। अब आप सुनिए, अरे मैं तो लखनऊ वाला हूँ ना, उत्तर प्रदेश वाला हूँ ना, उत्तर प्रदेश में हमारे उन्नाव में एक बेटी को जला दिया। पूरे देश में पुलिस की यह मानसिकता है। पुलिस की मानसिकता क्या है कि जो लड़की है लड़की ही गलत होगी। हमारे जितने लोग खड़े आई एग्री कि लड़की गलत होगी, थाने में सुनवाई नहीं होती है क्योंकि हमारी महिलाओं का रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन महिलाओं का नहीं है। मुझे आपत्ति है जब इन्होंने कहा कि ओबीसी और नीचे वाले लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं। अरे आप इनकाउंटर के आंकड़े देखिए, इनकाउंटर की कोई जाति और धर्म नहीं होता, क्राइम का कोई जाति धर्म नहीं होता। और जब तक ये बंद नहीं होगा, उस बच्चे की चीखें बंद नहीं होंगी। मैं खुद एक महिला हूँ, मैंने DTC बसों में ट्रेवल किया है, सारी उम्र किया है। और मैं उस लड़की को कहना चाहूंगी, हम भी उठिए। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? देखिए, आधी आबादी की बात कर रहे हैं। क्राइम का, अपराध का राष्ट्रीयकरण बंद कीजिए। और ये आप, मैं ह्यूमन राइट्स वालों से भी आ रहा हूँ। एक सेकंड, जब कोई बच्ची पैदा होती है वो ये सोच के नहीं पैदा होती मैं BJP के घर पैदा हो रही हूँ, आम आदमी के पार्टी के घर में पैदा हो रही हूँ, कांग्रेस के घर में पैदा हो रही हूँ। आज फॉर हेवन सेक इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। हम बच्चियों को बचाने के लिए कह रहे हैं। जो औरतों के पीछे जो अत्याचार होती है वो ये चुन के नहीं होता है कि BJP है या आम आदमी है। अमीर की लड़की होगी यही दिल्ली पुलिस नाचेगी, अमीर की लड़की होगी दिल्ली पुलिस नाचेगी, झंडे वालन से फोन आ जाएगा। लेकिन हमारी गरीब के बेटी झंडे वालन कहाँ से हो गया इसमें? ये इनकी मानसिकता है क्योंकि दिल में ईमान नहीं है तो झंडे वालन आ गया। मैं केवल और केवल ये कहती हूँ कि बच्चे इस पूरे समाज की है, बेटियाँ पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे मोहल्ले की। बेटियाँ
दीपिका जवाब हम देंगे इन लोगों को कि ये कोई यूपी या दिल्ली का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। हम सब देश एक परिवार बनके, हम सब एक परिवार बनके खड़े हो जाए। और इन लोगों से उम्मीद छोड़ दीजिए कि कौन सी पार्टी आएगी और देश बदलेगा। अगर हमारे देश की कहीं छेड़छाड़ हो रही है, कहीं किसी बुजुर्ग के साथ कुछ होता है, तो मेरे परिवार का मामला है। हम लोग सोचते हैं ये मेरा मामला नहीं, मेरी एनजीओ नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं, हमारा मामला है, ये हमारा देश है, उसी का देश है जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ पूरी कुर्सियां पलट दी थी। मैं आपकी बात लूंगा, आपकी 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 बड़ी इज्जत करता हूँ, आपने बड़ी बड़ी तारीफ करी है, लिहाजा मैं आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन जी देखिए, जिस शुचिता की बात की गई थी आज, वो पूरे तरीके से पंक्चर हो चुका है। और अच्छे दिन का जो वादा था वो सिर्फ यूपी में नहीं था, उत्तर प्रदेश ये बहुत सबसे कम बोली है, सबसे कम बोली है, प्रदेश में नहीं था बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए था। और खास जवाब देना बोलिएगा, लेकिन मुझे अलाउ कीजिए, लेकिन खासकर महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए वो अच्छे दिन का वादा था, ना कि पूंजीपतियों के लिए और सरमाएदारों के लिए था। और आज मैं मुस्लिम हिंदू की राजनीति नहीं करूंगी यहाँ पर, लेकिन मैं तो मोदी जी करते हैं, लेकिन ये मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि जो बच्ची आज रोई है, मैंने इससे सेंसिटिव बच्चा आज तक कभी नहीं देखा। मुझे लगभग 16 साल हुए इस शो करते हुए, तुम्हारा जैसा बच्चा मैंने भी नहीं देखा आज तक, तुम्हारा जैसा बच्चा नहीं देखा मैंने। जी जी जी, मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि कानून को मजबूत करने की जरूरत है और दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। हम और मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई लड़की हूं, मैं खुद दिल्ली स्पेशल से और डीटीसी बस से रेड वाली बस होती थी, हमारी ब्लू लाइन बस होती थी, मैं भी चली हूँ, और उस वक्त भी ये चीज़ें होती थी, आज ये चीज़ें ज्यादा हो रही हैं। दिल्ली पुलिस उस वक्त भी सो रही होती थी और आज भी सो रही है। मैं आ रहा हूं, गगन आ रहा हूं, गगन आ रहा हूं, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। सर, ये जो जेंडर टेररिज्म है एक तरह से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कहीं कोई सा भी इलाका, और ज्यादातर गरीब महिलाओं के साथ होता है। हम ये देखते हैं कि कानून जो है गरीब महिलाओं की मदद नहीं करता है। आप बात करें हिम्मत वाला ऐप की, हिम्मत वाला ऐप जो है स्मार्टफोन में ही चल सकती है मेरे पास, ठीक है, मैं कहां से ऐप करूंगी, मेरे पास फोन नहीं है। और मैं ये कहूंगी सर कि हम मेट्रो से जाए किससे जाए, महिलाएं मेट्रो को सुरक्षा के साधन मानती थी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं यहां से घर पे बस से जाऊंगी और उस भरी भरी बस में मेरी हो सकता है स्थिति ठीक हो, मैं आज इतने बजे यहां खड़ी हो सकता है कुछ हिम्मत, मेरे हम उम्र की जो लड़कियां हैं, मेरी साथियां हैं, वो नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके घर का दबाव, रास्ते का दबाव, ऊपर से कल होली है, आज के दिन हमारे को कहीं लपेट ना ले लड़कों की जो वो है, ये कहा जाएगा कि हम मेट्रो से छूट गए हैं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और मेट्रो का किराया बढ़ गया है, हमने मेट्रो के किराए बढ़ने के बाद भी प्रोटेस्ट किया। हम उन लोगों के साथ हैं जो बहुत ज्यादा आबादी में गरीब है और जिनके साथ, उन महिलाओं के साथ जो हर वक्त छेड़छाड़ होती है मेट्रो के किराए बढ़ने के साथ, हमारे साथ बसों में बहुत भीड़ होती है, बसों में भीड़ का जो हम महसूस करते हैं हर दिन। और कहा जाए जो ऐसी ऐसी बस्तियों से लड़कियां आती है, मेरे नथुपुरा, अगर आप अगर यहां से कोई जानता हो नथुपुरा इलाके, वहां से पैदल जाने का रास्ता आधे घंटा है, बिल्कुल अंधेरा है, ना ही स्ट्रीट लाइट है, ना ही पुलिस की कोई वैन है, मैं ना ही सीसीटीवी कैमरा है। मैं कहूँ तो ये एक तरीके से ये सब नहीं है तो कानून कहाँ पे सो रही है, कब तक सोएगी? ये सब इसीलिए है क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को लगता है इसी में से खड़ा हुआ कोई भी इनके पीछे हो सकता है, उसने भी क्राइम किया हो, उसको भी लगेगा मेरा तो ना चेहरा आ रहा है ना कुछ आ रहा है, मैं तो छेड़ दूंगा इस लड़की को। तो कम से कम वहाँ पुलिस तो दो, वहाँ पे कम से कम कैमरा तो दो। और हम कहते हैं यार, इतनी सारी महिलाएं जो बसों में आती है, बसों के लिए वुमेन स्पेशल बस तो दो। मैं संघर्षशील महिला केंद्र से यही कहूंगी कि महिलाएं अपने हक के लिए खुद आगे आए और खुद लड़े और एकजुट होकर के अपने आप अपना नया कानून बनाए। हर जगह हर बार महिलाएं क्यों दबती आई है? कहाँ से आए आप? जम्मू से। जम्मू से, पूरी डिबेट आपने सुनी जी, कुछ कहना चाहते हैं? No comments. मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम्हारे पास ही आऊंगा, तुम्हारे पास भी आना चाहता हूँ, तुम्हारे गली मोहल्ले तुम्हारे गांव तक पहुँचना चाहता हूँ। कोशिश मेरी है, मैं ऑफकोर्स गली तक पहुँचना चाहता हूँ और ये कोशिश रहती है मेरी। और मैं हर बार पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से घूमता रहता हूँ, मैं आता हूँ जी, क्योंकि बोला जी मैं। हाँ सर, मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ, इस देश को कानून की जरूरत है, कानून के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हर टाइम पे लड़कियों के लिए, जो भी मैडम जो बोल रही हैं, सिस्टर हमारी जो बोल रही हैं, इनके लिए सही बोल रही है, क्योंकि नेताओं को यह सोचना चाहिए हर दिन नए कानून होने चाहिए। कानून हमारे अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी हमारे, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन भाई तमाम बहस समाज के अंदर लगातार बराबर होती हुई,
नतीजे यहीं से इसी जगह से निकलेंगे। आज अभी सिर्फ इतना।